अम्मी, आप सब मेरे घर क्यों नहीं आते? नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे ससुराल में इस तरह से आना। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? आपके बच्चों का घर है, आप लोगों का जब दिल करे आप लोग आ जाए। अब तुम लोग आ गए हो ना, तो खाना खाकर जाओगे। नहीं आंटी, हम तो बस मिलने के लिए आए हैं। घर वो हुरिया ने खाना बनाया हुआ है। क्या, हुरिया ने खाना बनाया है? चार दिन में खाना बनाना भी सीख लिया? नामुमकिन सी बात लग रही है। क्यों भाई, उसका घर है, संभाल रही है वो, और माशाल्लाह शादी के बाद सब लड़कियां करती हैं। वैसे फरुख भाई, आप बड़े ही खुशकिस्मत हैं जो आपको हुरिया के हाथ के खाने खाने को मिल रहे हैं। हम तो कितने साल इस खुशकिस्मती से महरूम रहे। हुरिया, अब तो हम जरूर तुम्हारे घर आएंगे, कुछ हमारी भी मेहमान नवाजी हो जाए। जी जी, आपका जब दिल करे आप आ सकती हो। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल आना कभी। चलो मैं आती हूँ। अरे भाई को कुछ चाय ठंडा। मैं आ रही हूँ। लो, मैं देखता हूँ। माँ पानी शरबत बना लो बेटा। जी खुश हो ना? बहुत। हाय मेरा प्यारा कमरा, बड़ा याद आता है कमरा। अब तो तुम्हारा नया घर है और तुम्हारा कमरा भी काफी अच्छा होगा। हाँ मगर मैके की अपनी बात होती है। तुम्हारा तो ख्वाब था कि तुम्हारी शादी हो जाए, और अब तुम्हारी शादी हो गई। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। फरुख बहुत अच्छे हैं, मुझे घुमाते हैं फिराते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। बस सास थोड़ी सी सख्त मिजाज है। सास के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, वो तुम्हारी शौहर की माँ है, तुम्हारी घर की बुजुर्ग। चांदनी, अब मुझे लेक्चर देना शुरू ना हो जाना। हुरिया, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अब तुम फिर से ऐनी आपी वाली बातें शुरू ना कर देना, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। अच्छा ऐनी आपी के लिए जो रिश्ता आया था उसका क्या बना? कर दिया अम्मी ने इनकार? अभी तक बात चल रही है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐनी आपी को कोई पसंद है, वरना ऐनी आपी को ना कोई फैशन में दिलचस्पी ना मेकअप में। स्कूल उन्होंने तैयार होके जाना शुरू कर दिया था, फैशन में दिलचस्पी, मेकअप में दिलचस्पी, और तो और पार्लर भी जाना शुरू कर दिया था। तो किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है? और ग्रूमिंग तो सब सीख लेते हैं टाइम से। ऐनी आपा के कॉलीग ने उन्हें पसंद किया था, ऐनी आपा का कोई कसूर नहीं था इसमें। यही यही तो तुम लोगों की हरकतें है ना, इस वजह से ऐनी आपी के ऊपर एक बिला वजह का ज़हनी प्रेशर है। ऐनी आपी ये नहीं कर सकती, ऐनी आपी वो नहीं कर सकती। अरे ऐसे तो इंसान अपनी जिंदगी का कभी कोई फैसला नहीं ले सकता। अब तुम फप्पे कुटनी बनने की कोशिश मत करो और अपनी सास की खिदमत करो, अपने घर पर फोकस करो। दादी अम्मा, ऐनी आपी के साथ रह के ना तुम भी एक छोटी सी आपा बन गई हो। यार मेरा बड़ा दिल ऐनी आपी की शादी हो जाए। तुम्हें लगता है अम्मी मान जाएंगी? जब रिश्ता तय हो जाएगा तो तुम्हें सबसे पहले पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया। तुमने कमरे की सेटिंग बिल्कुल नहीं बदली ना? नहीं। हमें शावेद से जरा सख्ती से बात करनी चाहिए, हमारी नरमी का बहुत फायदा उठाया है उसने। मैं सोच रही हूं हिना और शावेद की मंगनी कर दें। उसे अपनी आशिकी से फुर्सत मिलेगी तो हमारी बात सुनेगा ना, इसीलिए तो वो स्कूल की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, उस औरत की खातिर। और तुमने भी खूब कही, मंगनी कर देते हैं उसकी। देख लेना, मंगनी वाले दिन वो गायब हो जाएगा और सारी रुसवाई बेइज्जती हमारे खाते में आएगी। तो फिर आप ही बता दें इस मसले का क्या हल है। लेकिन मैं उस पक्की उम्र की औरत को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे। शावेस को ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना ही हमारी इज्जत का पास। अगर हमने उसे इस वक्त ना रोका तो मुझे डर है कहीं वो कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। इस घर में वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये मेरा घर है। अगर वो उस औरत को इस घर में लाया तो मैं दोनों को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगा। समझता क्या है वो अपने आप को? तो फिर हमें शावेज और हिना की मंगनी कर देनी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि शावेज की शादी सिर्फ हिना से होगी।
पता नहीं ये सब कैसे होगा।